ये मैं थोड़ी हाल को मिया हो गया। हेलो, मैं डॉक्टर शुआब आलम खान लाइव हुआ हूँ। आपको मालूम है कि हम जब भी लाइव होते हैं अपने फॉलोवर अपने स्टूडेंट सबके लिए हम बहुत चाहते मानते हैं। हम चाहते हैं कि अभी फिर एक चैलेंजिंग केस है, बहुत इनक्यूरेबल प्रॉब्लम है, तो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप लोग ये मालूम है बहुत पेशेंट फेसबुक में नहीं आना चाहते हैं, नहीं बताते हैं, बगैर हम परमिशन के दे भी नहीं सकते हैं, विदाउट पब्लिश परमिशन। तो ऐसे बहुत से इनक्यूरेबल प्रॉब्लम है जिसको अल्लाह ने ऊपर वाले ने अच्छा कराया है, यानी ताकत नहीं है, लेकिन इधर बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट हुआ है। खासकर हमने देखा है कि जितने भी इनक्यूरेबल बीमारी है, जैसे पाइल्स वाइल्स जो है, ये ऑपरेशन होता है, एकदम इजी ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में, ट्यूमर का बहुत इजी ट्रीटमेंट है। अभी एक बहुत बड़ा इतना बड़ा ट्यूमर का केस है, वो हम दिखाएंगे, पेशेंट से पूछना होगा, कम हो रहा है और कम होगा, फोटो है, हम देंगे आप लोगों को। तो होम्योपैथिक में सब क्योर हो सकता है। हम लोग अपना लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फेल होते हैं। हम लोग को मेहनत करना होगा, पढ़ना लिखना होगा, और घमंड तकब्बुर से दूर रहना होगा, झुकना जो झुकना सीखना होगा, झुक के कैसे पढ़ा लिखा जाता है। अभी आज हमारे बिहार से पेशेंट आए हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, 40-42-45 बरस के होंगे, मेल केस है, उनको CML का केस है, क्रॉनिक माइलॉयड लिकोमिया, ब्लड कैंसर, लिकोमिया में तो ब्लड कैंसर। तो बहुत जबरदस्त ऊपर ने रिजल्ट दिया अल्लाह ने, मतलब सोच का बाहर है। होम्योपैथिक एक मैजिक लाइक इफेक्ट होता है, अगर आप अच्छे प्रिस्क्राइबर हैं, कॉन्फिडेंस आपका है, तो मेरे हिसाब से आने वाले दिन में अगर गवर्नमेंट भी मेहनत करे, अगर अच्छे प्रिस्क्राइबर को मौका दे, उनके साथ हेल्प करे, उनका अलग से हॉस्पिटल उस्पिटल बना दे और अच्छे प्रिस्क्राइबर को रखे, तो मेरे हिसाब से लिकोमिया, ब्लड कैंसर और कैंसर का बीमारी 80-90% क्योर हो जाए, विदाउट केमोथेरेपी, विदाउट रेडिएशन, अगर गवर्नमेंट हेल्प करे तो। आज एक चैलेंजिंग केस है, पेशेंट से हम बात कराएंगे, वो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम बताएंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको जो रिजल्ट हुआ तो अपने से बताएंगे। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला जनरेशन जाने जो होम्योपैथिक बहुत पुअर नॉलेज है लोग को, उसको समझे कि होम्योपैथिक कहते किसको है। और मैं और कहूंगा क्या है कि इनका ब्लड हेमोग्लोबिन एकदम 4.5 हो जाता है, 4 हो जाता है, गिर जाता है, हर 15 दिन पर उनको चढ़ाना पड़ता है, प्लेटलेट सुलेट सब नीचे आ जाता है, सब गिर जाता है। और मेरी फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन हमने एक महीना का दवा दिया है, तो एक महीना दवा देने के बाद पेशेंट का कहना है कि मेरा ब्लड हमको चढ़ाने की नौबत नहीं आई है, आज 40 दिन हो जाता है ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ा, जिनको हर 15 दिन पर चढ़ाना है, और बहुत वीकनेस का प्रॉब्लम था, वो सब ठीक है, अच्छा है, बेहतर है। अब उनके मुंह से आप सुनिए, इतना आ सकता है। हाँ बताइए भाईजान, थोड़ा आने वाला जनरेशन। जैसे आज से 2 महीना पहले जब आपके यहाँ मैं नहीं आया था जी, तो उससे पहले मैं दिल्ली में राजीव गांधी हॉस्पिटल में गया था जी। राजीव गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल थे जी, हेमाटोलॉजी थे जी जी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे को टोटल खर्चा बताया लगभग 80 लाख रुपया। 80 लाख उन्होंने बोला कि 30% जो बोन मैरो है आपका वो ऑफ हो चुका है जी, और दूसरा ये है कि आपको केमो जो चढ़ेगा तो हर महीने आपको 12.5 लाख रुपया लगेगा। अच्छा ठीक है, तो टोटल मिला के लगभग 80 लाख रुपया का उन्होंने खर्चा बताया। फिर वहां से मैं निकला तो फिर मैक्स हॉस्पिटल में गया। मैक्स हॉस्पिटल कहाँ है? दिल्ली। अच्छा फिर वहां गया तो डॉक्टर रियाज अहमद है, उनसे मेरी मुलाकात हुई ठीक।
तो उनका भी यही कहना था कि आपके पास समय बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी आप यहाँ एडमिट होइए, क्योंकि आपके बॉडी में जो ब्लड बचा हुआ है वो सिर्फ 2 ग्राम है। 2 ग्राम? 2 ग्राम है जी। और यहाँ का जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 60 लाख रुपीज। अच्छा, 60 लाख? 60 लाख रुपया खर्चा आएगा। अच्छा, फिर ठीक है। उसके बाद हमको यूट्यूब से या और लोगों से भी आपके बारे में फिर पता चला कि आप भी मतलब इसका ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक में आप भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो फिर मैंने आपसे कंसल्ट किया। आपको यूट्यूब में देखे और किसी ने बताया भी? हाँ, हमको अच्छा। किसी ने बताया भी। अच्छा। और यूट्यूब में भी फिर मैंने सर्च किया, आपके बारे में पता किया, देखा जी। तो वहाँ का भी रिव्यू यूट्यूब का भी सही हमको समझ में आया जी। उसके बाद फिर मैं आपसे यहाँ से कंसल्ट किया जी, फोन से कंसल्ट किया। फिर आपने अपॉइंटमेंट दिया कि ठीक है आप इस डेट में आप आ जाइए। यहाँ मैं आया तो मेरा हीमोग्लोबिन जो था वो था मेरा 6.8। 6.8? अच्छा, 6.8 जी। और प्लेटलेट्स मेरा था 40,000। 40,000? हाँ जी, ठीक है। मगर प्रॉब्लम यह था कि यहाँ आने से पहले जो है एक यूनिट ब्लड मेरा जो है वो 3 दिन चल रहा था। 3 दिन? तो 5 यूनिट ब्लड मैं वहां से इंजेक्ट करके ही चला था दिखाने के लिए आपके पास जी। तो 5 यूनिट ब्लड मेरा 15 दिन चलना चाहिए था जी। मगर आपके पास जब मैं आया, आपने 1 महीने की मुझे दवा दी जी। उसके बाद मैंने खाया तो आज 48 डेज हो चुका है, मैंने कोई भी ब्लड चढ़ाया नहीं है। वेरी गुड। और जब मैंने अभी रिसेंटली अभी सीबीसी मैंने जो करवाया है जी, उसमें प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो है 90,000। और इसका हीमोग्लोबिन का जो है वो है 4 अभी के मेरा। हाँ, जबकि अभी तक मैं अगर आपके पास नहीं आ रहा था, उससे पहले जो है तो कम से कम भी तो 3 बार मैं कैंसर हॉस्पिटल आना जाना कर चुका होता, और 2-2.5 लाख रुपए मेरा लग चुका होता। ठीक है, चलिए, अल्लाह ने आपको बचाया तो आपको। हाँ, और कोई बात है तो आपको बिकने चुकने दवा खाने से कैसा महसूस हुआ? बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। वीकनेस, कमजोरी, वीकनेस वगैरह सब चीज अब सही है। तो आप बताइए, होम्योपैथी के बारे में तो आप सुने होंगे कि बहुत देर से फायदा होता है। जी, जी, क्या जी। होता है? इसीलिए होम्योपैथी की तरफ मैं मूव नहीं कर रहा था जी, कि ऐसा ना हो कि मतलब ये देर से फायदा करे और बढ़ा दे, घटा दे, बढ़ जाए। तो ऐसा ना हो कि जो भी केस अगर हैंडल होना है यहाँ से वो भी निकल जाए। तो इसलिए मैंने देखा कि चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसका खर्च भी जो है तो कोई 80 लाख, कोई 80 लाख, कोई 60 लाख रुपए बता रहे थे। उसके बाद तो, भी हल नहीं है वो, मतलब बढ़ाते हाँ, चलते चलता जाएगा, ब्लड निकलेगा फिर चढ़ाना होगा। हाँ। तो इसलिए मैंने एक चांस लिया। और हम लोग में क्या होता है, ब्लड बनने लगता है जी। अभी तो आपसे बात किया, देखिए एक टूट से बात हो रहा था, उसकी माँ को भी है जी। बहुत से अभी मेरे पाकिस्तान में भी ऑनलाइन से दिखाए, ये सीएमएल का ना दिखाए, उसका भी हीमोग्लोबिन 4-5 रहता था, अभी 10-11 रहता है। ऐसे बहुत से केस है एक्चुअली में। अच्छा। एक्चुअली में डॉक्टर साहब है क्या ना कि जब तक आपके साथ प्रैक्टिकल कुछ ना हो तब तक यकीन नहीं होता है एकदम आपका। तो मेरे साथ ये जो आपकी मैंने दवा ली, मैं तो मेरे साथ ये चीज प्रैक्टिकल है कि हमारी तबीयत में सुधार है। तभी तो आप चाह रहे हैं कि और भी मरीज को हाँ। हम तो बात कर रहे हैं हाँ। तभी मैं सेकंड टाइम आपके पास यहाँ पर आकर बैठा हुआ हूँ। सेकंड टाइम? जी 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 हाँ। अच्छा, बिगड़ हुए नहीं होता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मतलब लोगों की, कि होम्योपैथी भी की गवर्नमेंट को तो मदद करना, अच्छे प्रिस्क्राइबर को लाना चाहिए ताकि ये सब लाइलाज बीमारी, अभी आपको एक तो ट्यूमर का भी हम दिखाया कितना बड़ा, तो ये सब बगैर सर्जरी के ठीक हो सकता है। बिल्कुल, गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पे ना जाए लोग। हाँ, और ये दिमाग में नहीं रखें कि होम्योपैथी खाएंगे तो 4 महीने बाद फायदा करेगा या 1 साल बाद फायदा करेगा, ये सब नहीं दिमाग में रखें। अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह होम्योपैथिक भी जितना एलोपैथिक जल्दी सुनता है उससे जल्दी वर्क करता है भाई, जल्दी वर्क करता है। और आपका तो ब्लड कैंसर उन्सर में तो एलोपैथिक में इलाज ही नहीं है। तो आपने सुना, मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं इनको इग्नेशिया प्रिस्क्रिप्शन किया था, ये शौक का केस है, सदमा दुख
क्या कहते हैं, वो दुख सदमा क्या कर सकता है इंसान को। अगर डायथेसिस कार्सिनोमा का है फैमिली उमली कहीं भी, तो डायथेसिस बहुत जल्दी उभर जाता है अगर अगर एक बड़ा सदमा लगता है। तो शौक है, मैं और फिर दूंगा ये कंप्लीट। आप लोग भी प्रे करें कि अल्लाह इनको एकदम कंप्लीट अच्छा कर दे। आपने सुना 80 लाख 60 लाख करीब पलट चढ़ाने का, फिर खत्म होगा तो फिर जाए, तो आदमी खत्म हो जाता है। तो यही मैं कहूंगा, गवर्नमेंट वर्मेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जो भी अच्छे डॉक्टर है उनका एक हॉस्पिटल कॉलेज ऐसा करे, ताकि बगैर ऑपरेशन के बगैर इतना पैसा कहाँ से लाएगा लोग, ठीक हो जाए मरीज, अच्छा हो जाए। नहीं तो अभी बता रहे अभी 3 दफा इनको चढ़ाई हो जाता, अभी बता रहे 2-3 लाख मेरा लग जाता। तो आप लोग इसको कोशिश करें, इसको खूब शेयर करें लोग, अच्छा स्टूडेंट सब जाने। हमने इग्नेशिया दिया है, इग्नेशिया का भी एक प्रिस्क्राइबिंग का एंगल होता है, तरीका होता है, ये सबको आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि मैं जब पढ़ता हूँ तो भोर हो जाता है, 3-4 आज भी मेरा बच जाता है बहुत मेहनत करने में, क्योंकि जब पढ़ते हैं, जब आपको हीरा मोती मिलने लगेगा बुक से, तो आप किताब को ना छोड़ेंगे। मेरे साथ पहले हीरा मोती मिलने लगता है, तो इसीलिए मैं आज भी 4 बजे भोर तक पढ़ता हूँ और नमाज पढ़ के सो जाता हूँ। और एक मैसेज दे दे रहे आपको, 15, 16, 17 को मेरा सेमिनार है, उसको मिस ना करें आप। पैजेलिया कार्बोवेज हम पढ़ाएंगे, और उसको कॉन्टेक्ट नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं, ऑनलाइन से बोलना, घर में बैठे बैठे सुनना है ऑनलाइन से, उसको किसी भी कंडीशन में मिस ना करें, क्योंकि अभी 8-9 महीना के बाद हम बोल रहे हैं हमको अब वक्त नहीं मिलता है। तो बहुत से स्टूडेंट हमको फोन किया है कि डॉक्टर साहब आप पढ़ाएं, तो वक्त नहीं मिलता अब हमको, इसीलिए आपकी 8-9 महीना हो गया, नहीं तो हर महीना 2 महीना पर करते थे, अब मिलता नहीं है। जो हम बोल रहे हैं उसको प्रैक्टिकल हेनिमेनियन होम्योपैथी को फॉलो अप करना है। तो 15, 16, 17 लिख ले, कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे मोहम्मद खान का, वो भी अब डॉक्टर हो गया है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, कॉन्टेक्ट करने के बाद जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि फिर अब कब बोलेंगे कब नहीं, आप बहुत बिजी अब मेरा शेड्यूल रहता है, टाइम नहीं मिलता है। आज इसको खूब अच्छा से सर्च करें, खूब इग्नेशिया हर बुक में पढ़े, अच्छा से कैसे दिया जाता है कैसे देना है इसको देखें, और खूब शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।